गर्मी का टाइम है और ठंडी ठंडी आइसक्रीम कुल्फी खाना किसे अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी मैंगो रोल कट आइसक्रीम कुल्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना इतना आसान है। घर पर रखे इंग्रेडिएंट्स से आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते और खाने में इतनी टेस्टी है कि मुँह में जाते ही खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ना ही कोई कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत है, ना ही आपको स्पेशल कोई मावा, ना ही कोई स्पेशल क्रीम की ज़रूरत है, और आप इसे ना ही कोई बीटर करने की आवश्यकता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आम का 75% हिस्सा, मतलब 75% हिस्से को काट दिया है और काट कर इसमें मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे 3/4 कप या कटोरी के नाप से आप कोई भी सेट कर लीजिए, वो आप शक्कर ऐड कर दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3/4 कप घर की होममेड फ्रेश क्रीम जो होती है ना, दूध से निकली हुई ताज़ी क्रीम, वही डालकर इसे ग्राइंड कर दिया है। 3 से 4 बार हमने इसे अच्छे से चर्न किया है, चलाया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए काफ़ी थिक हो गई है, तो एकदम मज़ेदार सी लग रही है। तो अभी मेरे किचन में आ रही है थोड़ी सी धूप, जिसके कारण आपको इसका कलर जो है रियल नहीं दिख रहा है। बट अब हम इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करके देखिए इस तरीके से चम्मच से हिला देंगे, और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अमूल फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर मैंने जो होममेड क्रीम जो ताज़े दूध की निकली थी वो तो हमने ऐड कर दिए, लेकिन इसे और भी क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, और भी फ्लफी बनाने के लिए हमने इसमें केवल 2 से 3 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर दिए। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप घर की फ्रेश होममेड क्रीम से भी इसे बनाकर झटपट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से विस्क कर लिया है, आप चाहे तो बीटर की मदद से बीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बीटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, हम इसे विस्कर की मदद से ही अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ना कोई कॉर्नफ्लोर डाला है, ना ही हमने कोई स्पेशल क्रीम डाली है, ना ही हमने यहाँ पे मिल्क को यूज़ किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा मिल्क भी आप डाल सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थोड़ी मतलब फ्लफी होते जा रही है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट लगा है मुझे टोटल, और कंटिन्यू विस्क करते रहेंगे तो एकदम फ्लफी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है चेंज हो गया और ये एकदम फ्लफी कंसिस्टेंसी में आ गई है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें आइसक्रीम जमाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे साइड करके जो हमने 25% भाग आम का जो बचाया हुआ रखा था उसे इस तरीके से हाथ पर रखकर चॉप कर लेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे, टुकड़े हम निकाल देंगे कि स्पून की मदद से। आप देखिए बहुत ही आराम से निकल जाता है। अगर आपके जो आम के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अगर नहीं कट पाए हैं तो आप इसे बाद में छुरी से भी छोटा छोटा कट कर दीजिए। हम अपनी जो आइसक्रीम कुल्फी बनाने वाले हैं उसे थोड़ा सा स्पेशल बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये मैंगो बचा लिया था। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में क्या करना है। तो ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है कुल्फी का, उसमें हमने जो कटे हुए आम है उसे डाल दिए हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो ज़्यादा नहीं जलाना है, केवल हल्का सा उसे मिक्स कर दीजिए ताकि वो बैटर में अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने कंटेनर लिया है, ये मेरे पास खाली कंटेनर घर पे अवेलेबल था, आप चाहे तो स्टील का डब्बा भी ले सकते हैं, या आपके पास अगर आइसक्रीम मोल्ड है तो आप उसमें भी आइसक्रीम जमा सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर का यूज़ किया, अगर आप इको बेक पेपर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर पर जो बटर पेपर था केक जमाने के लिए हम यूज़ करते हैं वही मैंने डालकर इसे अच्छे से सेट कर दिया है। और उसके बाद आइसक्रीम का जो बैटर बनाकर तैयार किया था उसे हमने इसमें कंटेनर में डाल दिया है, और ऊपर से भी हमने बटर पेपर लगाकर इसका जो लीड है ढक्कन से इसे बंद कर दिया। तो चलते हैं इसे फ्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बैटर बच गया है, तो मेरे पास ये जो फ्रीज़र कप रखा था घर पे उसी में मैंने बचा हुआ बैटर डाल दिया है, और अब हम इसे कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल से। तो इसके बाद देखिए मैंने एक एल्यूमिनियम फॉइल का छोटा सा जो है टुकड़ा कट कर इसे इस तरीके से पैक कर दिया है, और यहाँ पर हमारी जो है आइसक्रीम एकदम मार्केट जैसी तैयार होगी, मैंगो रोल कट कुल्फी। तो यहाँ पर मेरे पास कुल्फी की एक स्टिक अवेलेबल थी घर पर, वह मैंने इसमें हल्का सा छोटा सा छुरी की मदद से छेद कर उसमें रख दिया है, ताकि ये हमारी जो कुल्फी जमेगी वो उसमें सेट हो जाएगी। तो 8 घंटे हो चुके हैं, और आप चाहें तो इसे ओवरनाइट रख सकते हैं। तो ओवरनाइट होने के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, हमारी जो मज़ेदार सी मैंगो रोल कट कुल्फी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है तो डायरेक्ट मैंने फ्रिज से निकाली, उसके बाद ही मैं तुरंत ही आपको ये बता रही हूँ। तो आप देखिए थोड़ा सा आप इसे हाथ से इस तरीके से रब करिए, तो हल्का सा हीट के कारण ये जो है आराम से निकल जाएगा, और हम इसे एक छुरी की मदद से इस तरीके से लगाकर रोल कर घुमाकर निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमारा जो रोल कट मैंगो कुल्फ़ी है वो एकदम परफेक्ट निकल कर आ चुका है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ है। और अब हम यहाँ पे जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे हम इजी तरीके से निकाल देंगे। हम इसलिए बटर पेपर या इको बैग पेपर आप लगा सकते हैं क्योंकि जो कंटेनर है उसमें आइसक्रीम नहीं चिपकती और बहुत ही आराम से ये निकल कर आ जाती है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये बहुत ही आराम से कट रही है क्योंकि ये देखिए हमने जो विस्कर की मदद से 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से विस्क किया था, इसके कारण हमारी जो कुल्फ़ी है वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लफी, बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली कुल्फ़ी झटपट बनकर तैयार हो गई है। तो ये लीजिए, मैंने एक सर्विंग प्लेट के अंदर इसे निकाल दिया है। इस गर्मी में आप इसे फटाफट बनाकर एंजॉय करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, आप इसे कब बना रहे हैं। तो मैं तो चलती हूँ इसे खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही आराम से कट रही है और जो हमने मैंगो कट करके इसके अंदर डाले थे वो मुँह में आते हैं तो इतना टेस्टी लगता है, इसका स्वाद मुँह में एकदम मज़ेदार सा हो जाता है। तो आप अगर हमारे इस रेसिपी को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने जो एक जो फ्रीज़र कप था उसमें मैंने जो बचा हुआ पेस्ट था वो डाल दिया था, उसे भी हम यहाँ पर खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी जो मार्केट जैसी कुल्फ़ी है बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत ही आराम से निकल आएगी। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मेल्ट हो रही है, गर्मी का टाइम है ये फटाफट से मेल्ट होने लगती है। तो आप इसे ठंडा ठंडा चिल्ड इंजॉय करिए, बच्चों से लेकर बड़े सबको बहुत पसंद आने वाली है। आम का सीजन भी आ चुका है तो आप इसे फटाफट बनाकर तैयार करिए। और आप कब इसे बना रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई नई रेसिपी आने पर सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।